उदयपुर नगर निगम की ये अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई को लेकर आप देख सकते हैं कि उदयपुर का ये सुभाष सर्कल है और सुभाष सर्कल पे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कई लोगों को आहत तो पहुंची होगी लेकिन कई यातायात समस्या जो है वो समाधान हुई है। आप देखते थे देख सकते हैं सुभाष सर्कल पर एक यातायात की एक बड़ी समस्या थी लेकिन अब धीरे धीरे ये मुझे लग रहा है कि सुचारू हो रही है और पहले जो अतिक्रमण मुक्त जो शहर है वो बनता जा रहा है। आप देखिए पूरे शहर में जहाँ पे भी इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण थे वो नगर निगम ने हटाकर एक अच्छा काम किया है और जहाँ अच्छा होता है वहाँ हम आपको अच्छा जरूर दिखाते हैं। और होली का प्रसंग आने वाला है, बड़ी संख्या में यहाँ सुभाष सर्कल पर सबसे बड़ी होली जो है वो जलाई जाती है और अभी भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार डॉलर चल रहा है और रोड नई बढ़िया सी बन रही है, एकदम नई चकाचक है और ये थंबे भी शायद हटाए जाएंगे। उदयपुर के सुभाष सर्कल से आप सीधा दृश्य देख रहे हैं जहां अतिक्रमण को लेकर पूर्व में कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बाद में अब जो है रोड बहुत ही चौड़ा दिखने लगा है, यातायात व्यवस्था अब सुचारू जो है वो ठीक रहेगी यहाँ पर। और ये सबसे बड़ा चौराया है, यहीं से ट्राइडेंट रोड, सज्जनगढ़ मार्ग और सबसे बड़ा चौराया हम कह सकते हैं। नगरवासियों का क्या कहना है, व्यापारियों का क्या कहना है, कैसा लग रहा है ये रोड चौड़ा होने के बाद? ये रोड चौड़ा होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और ये अतिक्रमण सारा हट के हट चुका है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। काफी मतलब जो झोल जंजाल हो रहे थे सब हट गए हैं और काफी अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे फिर कोई अतिक्रमण कर देगा तो क्या उसका ध्यान रखा जाए? रोड बन गई, रोड बनने के बाद तो कोई अतिक्रमण का कोई काम ही नहीं है, जहाँ डामर बढ़ चुका है उसके आगे कुछ होने वाला है नहीं। कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम हो गया, बढ़िया हो गया है बिल्कुल। तो देखिए व्यापारी भी खुश है छोटे बड़े और वो भी इस नगर निगम की कार्रवाई से खुश है, जिस प्रकार से उदयपुर की आइड रोड के अतिक्रमण मुक्त किया गया है। उसके अलावा आप बोरा गणेश जी जो है वहाँ से दूर किया गया, आप देख पा रहे हैं कि रोड नया बन रहा है, उसके बाद सुभाष सर्कल चौराया बहुत ही बढ़िया है और अब ये कुछ ही दिन में खम्भे भी हटने वाले हैं।